हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो में हम जानेंगे द माउंटेन एंड स्क्वायरल पोएम के बारे में, जिसको लिखा है रैल्फ विल्सो एमर्सन ने। तो इस जो हम पोएम है, इसमें क्या देखते हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक तो माउंटेन है एंड स्क्वायरल है। तो इसमें लाइव शुरुआत में क्या कहते हैं कि द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड अ क्वारल, कि माउंटेन और स्क्वायरल हैं उनके बीच एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर प्रिंग, यानी कि फॉर्मर कौन, जो पहाड़ है, ये जो पहला है इसके अंदर कैरेक्टर, वो किलहरी को बोलता है लिटल प्रिंग, यानी कि छोटे प्राणी। तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है कि जो पहाड़ है वो अपने आप को एक तरह से बहुत बड़ा समझता है कि दुनिया में उसकी ज़्यादा वैल्यू है, मगर हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है, और उसको छोटा गिलहरी को मतलब छोटा प्राणी बोल डालता है। तो जो गिलहरी है उसकी यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है, तो उसके जवाब में वो देती है जवाब, बन रिप्लाइड, मतलब जो गिलहरी जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकिन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर। हम क्या देखते हैं एंड अ स्फीयर, ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो हम इसमें क्या गिलहरी कहती है कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, हर प्रकार की चीज़, हर तरह की जो चीज़ें हैं और वेदर है, सर्दी गर्मी, तो सब मिलके ही जब आपस में मिल जाते हैं, जब ही वो एक साल बना पाते हैं और एक तरह से स्फीयर बनता है वहाँ पर। एंड आई थिंक इट नॉट डिसअग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर, यू नॉट सो स्मॉल एज आई, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ ऑफ माई सो स्प्राय, यानी कि इसमें उन्होंने कहा गिलहरी ने कि हालांकि तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी जगह को भी थोड़ी सी घेर रही हूँ, तो मैं भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे भी शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज़, मतलब छोटा तुम्हारा पहाड़ के ऊपर गिलहरी रह रही है यहाँ पर, तो वो पहाड़ है, जंगल है, वहीं पर गिलहरी रहती है अपने आप को ढकने के, छुप के रहने के लिए। तो कहती है तुम्हें इसमें कोई शर्मिंदगी तो नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी प्लेस घेरती हूँ, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए मेरी जगह घेरते में। यहाँ पर क्या है, गिलहरी कहती है कि हाँ तुमने ऊपर ही कहा कि तुम बड़े हो, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, मगर ये है कि तुम मेरी तरह छोटे भी तो नहीं हो, और तुम मेरे जो फुर्ती है उसके आधे भी नहीं हो। आई एम नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती कि तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी नहीं जगह बनाई है रहने की, मतलब तुम्हारी पीठ पे ही मैं रहती हूँ एक तरह से। टैलेंट डिफरेंट ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर यू कैन क्रैक अ नट। सीधी बात है कि टैलेंट डिफरेंट होते हैं हर किसी के, वो गिलहरी बोलती है सब बातें शुरू की, सिर्फ ऊपर की लाइन जो होती है, शुरू का स्टैंडर्ड जो है, सिर्फ वहीं पर गिलहरी, वो पहाड़ जो है वो बोलता है पहले स्टैंडर्ड, बाकी में सारे में गिलहरी बोलती है, जवाब दे रही होती है, उसका रिप्लाई कर रही है कि सबके टैलेंट डिफरेंट हैं इस दुनिया के अंदर। अगर मैं अपने ऊपर पहाड़ को नहीं उठा सकती, मतलब अपनी पीठ पर, तो तुम भी जो एक छोटी सी मूँगफली होती है तुम उसको नहीं तोड़ सकते। इस पोएम के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखते हैं हम, इसमें क्या है, द माउंटेन स्क्वायरल बाय एमर्सन, ठीक है, इसका जो रैल्फ विल्सन एमर्सन नाम है उनका पूरा, शोकेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन ह्यूमन लाइफ, द पोएम डिपिक्ट्स हाउ अ माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक बट कैन नॉट क्रैक अ नट। तो यहाँ पर जो एमर्सन है उनकी पोएम है उसमें ही दिखाते हैं इंसान की जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, या फिर उनकी तरह से जो घमंड इंसान का, वो चीज़ को दिखाते हैं, और जो दुनिया के अंदर हर चीज़ है उसकी अपनी अपनी एक अहमियत होती है, उस चीज़ को ही दिखाना चाहते हैं। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो अपने ऊपर, जो बहुत बड़ा पहाड़ है क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ में होता है, वो अपने ऊपर जंगल को तो ले सकते हैं, जंगल तो पहाड़ के ऊपर हो सकता है, मगर उसके बस का ये नहीं कि वो सिर्फ एक मूँगफली को तोड़ दे। ये भी होता है कि मूँगफली का पौधा इसी के ऊपर उग रही है पहाड़ के ऊपर, फिर भी वो पहाड़ जो है इतना बड़ा हो के भी इस लायक नहीं कि वो एक मूँगफली को तोड़ दे, मगर उस पहाड़ पे, उस पहाड़ के ऊपर जो जंगल है उसमें रहने वाली जो गिलहरी है वो उस मूँगफली को तोड़ सकती है। ये इसके अंदर एबिलिटी है, ये उसकी जैसे क्वालिटी है। तो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं मर्सन के, हालांकि चीज़ बड़ी है मगर वो चलने लायक नहीं है पहाड़, गिलहरी भाग सकती है बहुत ज़्यादा तेज़ी, पीछे हमने देख लिया इसके अंदर के प्राय कि बहुत फुर्तीली है। वेयर आर स्क्वायरल कैन क्रैक अ नट बट कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायरल, जो गिलहरी है वो क्रैक कर सकती है नट को, मगर उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो पेड़ को उठा ले, अपने ऊपर जंगल को उठा सके। तो ये यहाँ पर ही दिखाना चाहते हैं इंसान की दुनिया में ज़रूरत है, अपनी अपनी उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। द अंडरलाइंग लेसन इन द पोएम
इज दैट नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर इन दिस वर्ल्ड। तो ये इसमें यही दिखाना चाहते हैं इमर्सन कि दुनिया में ना कोई छोटा है ना कोई इन्फीरियर, मतलब बहुत बड़ा है, ना कोई छोटा सबसे तप नीचे का है। ऑल क्रिएचर्स सर्व आ स्पोक एज स्पोक इन व्हील ऑफ लाइफ गुड मेरिली एक्ट एज हब होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। यहाँ पर गॉड मेरिली एक्ट्स, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में हर चीज़ है, एक चक्का है, दुनिया में ज़िंदगी है, उस सर्कल के लिए हर चीज़ को होना ज़रूरी होता है यहाँ पर। और दुनिया में जो भगवान ईश्वर है उसने सबको बनाया है जोड़ने के लिए, आपस में सबकी ज़रूरत है यहाँ पर। पोएम इज रिटन एज वन स्टैंजा इन विद 19 लाइन, एक स्टैंजा में है, हम इसको पार्ट में बांट के देख सकते हैं। द राइमिंग स्कीम्स की आ गई। ऑल्सो इट कैन बी सीन दैट द ऑल लाइन डू नॉट राइम, ये तो आप सबकी अलग इसकी राइमिंग स्कीम आती है। दिस इज इमर्सन्स वे टू पुट इम्पोर्टेंस ऑन लाइन एंड चेंज द राइमिंग टू चेंज इमोशन, तो ये दिखाना चाहते हैं इमोशन को, इसने राइमिंग स्कीम जो है इसकी चेंज कर देते हैं। अब इसका हम क्रिटिकल एप्लीकेशन देखते हैं, इसका क्या बताया गया है। द पोएम इज अबाउट अ डायलॉग बिटवीन अ माउंटेन एंड स्क्वायरल नेम बन, जो गिलहरी है उसका नाम बन दिया गया है, और माउंटेन तो माउंटेन ही दिया गया है इसके अंदर। इन द पोएम द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल अ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब छोटा प्राणी बोला है उसके अंदर, मगर यहाँ पर वो इसको नहीं मतलब दिखाता है कि जिसमें मतलब स्प्रिंग का मतलब होता है जो अपने आप को बहुत सेल्फ राइचियस राइचियस, मतलब अपने आप को जो मुकम्मल मानता हो, कम्प्लीट मानता हो कि भाई मैं अपने मुकम्मल, तो वो दिखाना चाहता है पहाड़ गिलहरी को, क्योंकि वो मूँगफली तोड़ती है और उसकी पहाड़ पर जगह पर रह रही होती है, तो कहता है कि हंडी हो तुम मेरे ऊपर रहती हो। क्रिएचर्स बट नॉट बट एट दिस बन रिप्लाइज द टू द माउंटेन ही माइट बी बिगर इन साइज देन हर बट इट डज नॉट मीन्स दैट शी हैज़ नो वैल्यू, ने कहा कि तुम बड़े हो मगर ऐसा नहीं है कि मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है। शी ऑल्सो एड्स मीनिंग टू दिस वर्ल्ड बाई क्रैकिंग अ नट विच अ माउंटेन कैन नॉट डू, इसमें फिर बात ना देखा हमने कि जो पहाड़ है, जो गिलहरी है, वो बोलती है कि मैं तो मूँगफली को तोड़ सकती हूँ मगर तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड द फॉरेस्ट दैट, उसने क्या कहा कि इस बात को भूलते हुए बताती है कि मैं तो फॉरेस्ट को उठा सकती नहीं, भूल जाती इस बात को बिल्कुल ही, वो कह जाती इस बात को मतलब नकारती, मैं तो उठा सकती नहीं बिल्कुल छोटी सी हूँ, जो पहाड़ हैं उठा सकता है इस चीज़ को, तो वो इस चीज़ को छोड़ते हुए बस अपनी बात को कहता लेती है यहाँ पर। द फैक्ट इज़ दैट एवरी वन इन डिफरेंट, ये एवरी वन इंसान जो है, हर इंसान हो, हर चीज़ हो, अपने आप में अलग अलग है, उसकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं। सम पीपल मे बी सिमिलर टू अदर इन सर्टेन वे बट एवरी पर्सन हैज़ हीज और हर यूनिक क्वालिटी एंड टैलेंट, हम क्या देखते हैं इंसान रंग में, शक्ल सूरत में, देखने में, बोलने के तरीके में, लैंग्वेज से एक जैसा हो सकता है, मगर उनकी सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ और टैलेंट्स होते हैं। दिस आइडिया इज़ एक्सप्रेस्ड इन द पोएम फ्रॉम टू वे पर्सपेक्टिव और ऑफ टू कैरेक्टर्स माउंटेन एंड स्क्वायरल, तो इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि दो कैरेक्टर्स ले लिए एमर्सन ने, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाए थे कि इंसान अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं और टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं। द माउंटेन सीम्स टू प्रेजेंट द बिलीफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वेयर द स्क्वायरल इज सिम्बॉलिक ऑफ द बिलीफ दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन टैलेंट टू हेल्प देम सस्टेन लाइफ। यहाँ पर माउंटेन के बारे में क्या देखने को मिलता है कि माउंटेन ये मानती है कि जितने आप सर्वाइवल के लिए जितने बढ़िया रहेंगे, फिट रहेंगे, बड़े साइज में होंगे, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और इसमें दूसरी जगह क्या दिखाते हैं, जो स्क्वायरल है वो ये दिखाना चाहती है कि हर इंसान का अपना अपना टैलेंट है, ज़िंदगी में जीता है वो अपने तरीके से। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोएम द पोएट से माउंटेन एंड स्क्वायरल एंड माउंटेन हैड अ स्क्वायरल, हैड अ स्क्वायरल, माउंटेन और पहाड़ के बीच एक तरह से बात हम बोल सकते हैं कि छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो फाइट नहीं दिखाता, बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दिखा रहे हैं वो उसके अंदर। वी आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर दैट वे दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट बट इट इज सिग्निफिकेंट एज इट लीड्स द माउंटेन टू इंसल्ट स्मॉल क्वेरल, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि माउंटेन ने उसको स्प्रिंग भी कहा था उसी में शुरुआत में 3 लाइन्स के अंदर ही, तो वो पता चल जाता है कि माउंटेन जो है वो इंसल्ट कर रहा है। कॉलिंग हर अ लिटिल प्रिंग अ प्रिंग डिफाइंड एज समवन हु इज सेल्फ राइचियस एंड बिहेव्स एज सुपीरियर टू अदर,
वो इस तरह से इसने कहता है कि जो गिलहरी सेल्फ रिस्ट्रेस्ट मतलब अपने आप में अपने आप को मुकम्मल मानती है वो, और थोड़ी घमंडी है और वो बिहेव करती है कि वो दूसरों से ऊपर है, इसलिए पहाड़ बोलता है। फिर पहाड़ के जवाब में गिलहरी दे डालती है, जब एट दिस स्क्वायरल गेट्स ऑफेंडेड एंड द रेस्ट ऑफ द पोयम इज फोकस ऑन द स्क्वायरल रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। शी एक्सेप्ट दैट द माउंटेन हैज़ क्वालिटी विच शी डज नॉट हैव, बट असर्ट दैट एवरी वन हैज डिफरेंट टैलेंट्स। इस बात को भी मानती है वो, जवाब दे रही है गिलहरी के अंदर, वो एक्सेप्ट करती है कि माउंटेन की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, बट वो यहीं पर ताना भी कर डालती है, कह रही थी कि हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, अपने अपने टैलेंट डिफरेंट हैं। ये बात भी हमने देख ली इसके अंदर कि टैलेंट डिफरेंट होते हुए भी सबके टैलेंट डिफरेंट हैं, और जब मिल जाते हैं, जब भी एक साल बन जाता है, जब भी हम देखते हैं कि जो एस्पायर होता है वो बनता है यहाँ पर, तो इस चीज़ के अंदर हम ये देखते हैं। नो डाउट माउंटेन आर बिग साइजेबल बट दे शुड रिस्पेक्ट द मॉइसेस ऑफ स्क्वायरल, मतलब जो स्क्वायरल है उसकी क्वालिटीज़ हैं, ब्यूटीज़ का मानना पड़ता है इस बात को, जो माउंटेन्स होती हैं पहाड़ जो है उसको इज्जत करनी चाहिए इस बात की। बंस एक्सप्लेन द माउंटेन दैट वन हैज़ टू कंसिडर द कॉन्स ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट ऑफ जस्ट अ प्रोज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ बुराइयाँ भी हैं, पहाड़ बड़ा तो है मगर उसकी बुराइयाँ भी हैं, बुराइयाँ हैं साथ में सिर्फ एक ही खामियों खूबी उसके पास कि साइज़ में बढ़ रही है, मगर खामियाँ बहुत सारी हैं, ना वो चल सकती हैं, ना वो जो नट है जो मूँगफली है उसको तोड़ सकती है, मगर स्क्वेल क्या है उसके अंदर छुप सकती है बहुत छोटी सी क्योंकि, मगर फिर भी उसकी अपनी अपनी सिस्टम है, अपना अपना उनकी जो लाइफ स्टाइल है यहाँ पर स्क्वायरल का, वो नट को तोड़ सकती है, बहुत तेज़ भाग सकती है, जो उसकी एबिलिटीज़ है यहाँ पर। वन सेड दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन वन रिमेंबर्स अ ईयर और कंपेयर थिंग। वही बहुत बात की डालती है जो गिलहरी है इसके अंदर कि हम सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, जब सब टुगेदर मतलब मिला देते हैं आपस में, जब जबकि एक साल बनता है सारे वेदर वगैरह वगैरह से, तो हमने क्या देखा इस चीज़ के अंदर, ये इंट्रोडक्शन हो गया। और अब हम देखेंगे डार्विन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। डार्विन कौन है? डार्विन हमने देखा कि जो पॉलिटिकल सॉरी साइंस होती है उनकी थ्योरी थी एवोल्यूशन थ्योरी, उसके अंदर देते हैं वो चार्ल्स डार्विन नाम का पूरा, तो बताते हैं इस बारे में किस तरह से हम इसमें पोएम के अंदर उस चीज़ को ला सकते हैं। द पोएम इज एप्लीकेबल टू डार्विन अंडरस्टैंडिंग मोस्टली ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन। इसके अंदर हम डार्विन अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि नेचर ने हर इंसान को अपने तौर पर सेलेक्ट करा है, यहाँ पर अपने अपने उसके कैरेक्टर दिए हैं, उसको अपना अलग अलग काम दिया है, जो उसको एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर है उसके अंदर करना उसको ज़रूरी है, जब भी एक सर्कल पूरा होगा। तो वही चीज़ बताते हैं कि जब चार्ल्स डार्विन वॉज वन ऑफ द पर्सन जो मानते हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, इसमें बता डालते हैं कि जो स्पीशीज़ जो चीज़ें हैं जानवर हो इंसान हो उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो एडेप्ट कर लेती हैं कुछ चीज़ों को शुरुआत के अंदर ही, बाद में वो चेंज करती हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ कि नेचुरल सेलेक्शन बताया उन्होंने इसके अंदर, क्योंकि जो थ्योरी है कि नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है हर चीज़ को उसके काम के लिए। नेचुरल सेलेक्शंस इज़ नोन एज द आइडिया दैट स्पीशीज़ कैन अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट टू बेटर फेवर देम एंड पास दिस अडेप्टेशन ओवर इन टू देयर यंग। यहाँ पर हम क्या देखते हैं उनकी जो थ्योरी है उसके अंदर उन्होंने नेचुरल सेलेक्शन के बारे में बताया, जिसमें हम ये देखते हैं कि स्पीशीज़ हैं उन्होंने मतलब जो कुछ चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर सकती हैं उस चीज़ को, जैसे जैसे बड़ी होती हैं वो उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेती हैं, उसके हिसाब से ढल जाती हैं आपस में। दो वी डू नॉट हेयर मच फ्रॉम द माउंटेन इन दिस पोएम बट इट सीम दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ बेटर देन स्क्वायरल, क्योंकि उन्होंने पहले इसको लिटिल प्रिंग बोल दिया था। हम क्या देखते हैं कि हम जानते नहीं हैं क्योंकि माउंटेन तो कम ही बोलते हैं शुरुआत में, बोलता है वो लिटिल प्रिंग बोल के ख़त्म बात, बाकी जो बोलना है सारी गिलहरी बोलती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि माउंटेन ने कम बोला मगर माउंटेन खुद को बेहतर मानती है गिलहरी से बिकॉज द साइज, बिकॉज ऑफ ही साइज, बस स्क्वायरल ऑल्सो बेनिफिट बाय बींग स्मॉलर थस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल कैरेक्टर। तो हम क्या देखते हैं कि फिट होना मतलब साइज बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के दुनिया के अंदर, फिजिकल कैरेक्टर जो है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इसके अलावा ज़रूरी होती हैं। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज ओरिजिनली कॉइंड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। जो हम देखते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये किसने दिया था?
हर्बर्ट स्पेंसर ने। दिस फ्रेज एप्लीकेबल टू दिस पोएम एज माउंटेन थिंग दैट ही इट कैन सर्वाइव बेस्ट ड्यू टू बिगर साइज इट्स बिगर साइज एज कम्पेयर टू स्क्वायरल। तो इसमें हमने जो हमने इसमें लगाया जो पॉइंट है फ्रेज है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसने लगाया क्योंकि माउंटेन बड़ा है और वो सर्वाइव कर सकता है। मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि छोटी गिलहरी होते हुए भी उसके अपने अपने बहुत सारे हैं। अब जो पहाड़ है उसके लिए बहुत सारी एडवर्टाइज हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर, मगर जो गिलहरी है वो उन चीज़ से बच के निकल सकती है प्रॉब्लम से क्योंकि वो छोटी साइज़ की वो चल सकती है यहाँ पर। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड इस वेदर मस्ट बी टेकन इन टू वेदर, इस बारे में क्या है, इन द पोएम द माउंटेन हैज़ ओनली फिजिकल कैरेक्टर इंस्टीड ऑफ क्वालिटीज एंड स्किल दैट हेल्प हिम सर्वाइव। सिर्फ माउंटेन जो है पर फिजिकल कैरेक्टर है जो उसको बचाता है दुनिया में जीने के लिए, काफ़ी है उसके लिए, मगर कोई स्किल तो नहीं है ना, क्वालिटी है बस, बड़ा है साइज़ में। मगर यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो गिलहरी है क्वालिटी है, नट को तोड़ सकती है, तेज़ भाग सकती है, छुप सकती है, बहुत सारी हैं। अब जो ये पोएम एक तरह से फिक्शनल है, असली तो पोएम नहीं, मतलब फिक्शन के तौर पर वो मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। अ फेबल इज नॉन ऑल्सो हैव अ मोरल और लेसन विच ऑल्सो अवेलेबल इन पोएम एज वेल, जो हम देखते हैं फिक्शन से या फिर हम देखते हैं कि कहानी जो मैसेज देती है वो इस पोएम के थ्रू हमें देखने को मिल जाती है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बुक के अंदर बताया गया है वो देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर कम्प्लीट करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।